हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है दानिश आफरीदी में। दोस्तों आज है बकरीद, तो आपको बकरीद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले दो चार दिन में आ रही है राखी, मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है राखी, जो कि इसकी मैं आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूं, आपको पहले से शुभकामनाएं दे रहा हूं राखी की। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, दोनों फेस्टिवल पे घर पे रहिए, अपने घर वालों के साथ मनाइए, फालतू बाहर मत निकलिए। मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं, क्योंकि मैं कोरोना वायरस पे काफी टाइम से इस तरह से वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत खास होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा और अगर मेरी बात समझ में आए तो लोगों तक पहुंचाइएगा। आपने देखा कि जब पेशेंट नहीं थे तो हम इतनी एहतियात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आने वाले दो महीने में होने क्या जा रहा है, आने वाले दो महीने की हम बात करेंगे, आपको क्या करना है इस बारे में हम बात करेंगे। कल 24 घंटे के अंदर 55,000 पेशेंट्स निकले, 16 लाख का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। आप जब पेशेंट्स नहीं थे तब तो लोग इतने एहतियात बरत रहे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, 8-8 10-10 दिन का राशन लेके अपने घरों पे रख रहे थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, एक दूसरे को देखकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों से गलत चीजें सीख रहे हैं। गलत चीजें सीखने का मकसद ये है कि मतलब ये है मेरा कहने का कि लोग फालतू ही बाहर घूमने लग गए कि यार सब घूम रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम भी घूम रहे हैं तो क्या हो गया, और बंद मत करो, ये मत करो, मत करो। दोस्तों अब समझने की जरूरत यह है कि आने वाले जो दो महीने ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन दो महीनों के अंदर अंदर हर घर में कोरोना वायरस नॉक नॉक यानी कि दस्तक दे देगा। कहने का मकसद यह है दोस्तों कि जब हमें एहतियात करनी चाहिए उस टाइम हम बेएहतियाती कर रहे हैं, यानी कि जब हमें ज्यादा सतर्क रहना है तब हमने सतर्क रहना ही छोड़ दिया। यानी लोग फालतू रोड पे घूम रहे हैं, फालतू घूम रहे हैं, बिना वजह के, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। अभी मैंने मास्क इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और एसी मैंने ऑफ कर रखा है, वीडियो बनाने की वजह से एसी की आवाज़ आती है तो वो आपको नॉइस पॉल्यूशन नॉइस आती है इसके अंदर, इसलिए मैंने चलो ठीक है, खैर आप पसीना देख ही रहोगे, मैंने एसी भी ऑफ कर रखा है इसलिए मास्क नहीं लगा रखा, गाड़ी में अकेला हूँ इसलिए मैं बिना मास्क के गाड़ी चला सकता हूँ। तो दोस्तों कहने का मकसद यह है अब आप ज्यादा सतर्क रहिए, आने वाले दो महीने में कभी भी आपके घर पे भी कोरोना वायरस आ सकता है। क्योंकि पहले आपने देखा दोस्तों कि जब संक्रमण नहीं था, पेशेंट्स ही नहीं थे, जब इंडिया में पेशेंट नहीं था, जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, जब से लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, डरने लग गए थे। एक टाइम ऐसा आया था लोग इतना डर रहे थे कि हॉलीवुड की फिल्मों की तरह ऐसा नहीं हो कि चारों तरफ लाशें हो, लोग इतना ज्यादा संक्रमण हो जाए, इतना हो जाए कि हम जहां घर से बाहर निकले कोई किसी को टच करे तो उसे कोरोना वायरस हो जाए। और ऐसा नहीं है दोस्तों, लोग सही भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है 3-4 दिन में हमारे तो कॉलोनी के सारे लोग 3-3, 4-4 दिन में सही होके वापस भी आ गए, और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि अब जो अब सतर्क रहने का सबसे ज्यादा टाइम आया है तो उस वक्त हम लोगों सतर्क नहीं रह रहे, और हम लोगों ने करा क्या है कि कोरोना वायरस को अब हमने बिल्कुल आसान समझ लिया है और चारों तरफ घूम रहे हैं लोग। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि जब पेशेंट थे ही नहीं तब तो हम इतना ध्यान रख रहे थे, और अब जब पेशेंट इतने सारे हो रहे हैं तो हम लोग ध्यान नहीं रहे। 55,000 पेशेंट्स 24 घंटे के अंदर आना, ये तो वो हैं दोस्तों जिनकी टेस्टिंग हो गई है। अगर टेस्टिंग नहीं हो, जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई वो कितने पेशेंट हैं? पेशेंट तो 3-4 दिन में सही हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत खतरा है। आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे और बच्चे भी होंगे, तो आप अपना ध्यान मत रखिए, आप अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए। जितना हो सके घर पर रहने की कोशिश करें, फिजूल घर से बाहर ना निकलें, इधर उधर हाथ ना लगाएं और सैनिटाइज वगैरह का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों ये असली टाइम है, जो हमने उस टाइम किया था वो अब करने का टाइम आया। चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, कहने का मकसद यह है कि अब पेशेंट लगातार आपके जाने अनजाने, आप किसी से भी संक्रमित हो सकते हो, आप संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हो गया उसका काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आदमी सही हो जाएगा 3-4 दिन में सही हो जाएगा। सिर्फ जो लोग पहले से जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उन लोगों को थोड़ी सी इस चीज की परेशानी है। चलिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, बकरीद को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, राखी को बहुत अच्छा फेस्टिवल है राखी, अच्छे से मनाइए, और मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है राखी। दोस्तों ध्यान रखिए, अपने घरों पे रहिए। चलिए अब मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।